दौड़ती भागती जिंदगी में भी तन और मन को निरोग किया जाए, क्यों ना कुछ पल के लिए योग किया जाए। नमस्कार, मैं सोनाली सिन्हा और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो। इस खास एपिसोड में आज हम बात करेंगे योग पे। योग मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा को ऊर्जा, ताकत और सौंदर्य प्राप्त करता है। ओशो का मानना था कि योग धर्म, आस्था और अंधविश्वास से परे हैं। योग एक प्रायोगिक विज्ञान है। योग स्वस्थ जीवन जीने की कला है। योग शरीर के समस्त रोगों के लिए एक पूर्णतः चिकित्सा पद्धति है। जहाँ धर्म लोगों को खूंटे से बांधता है, वही योग सभी तरह के खूंटों से मुक्त का मार्ग बताता है। योग तन और मन से जुड़े तमाम तरह के रोग और विकारों को दूर कर मनुष्य का जीवन आसान कर देता है। यह मानव की हर तरह की शुद्धता का आसान उपकरण है। योग भारतीय ज्ञान की 5 वर्ष पुरानी शैली है। योग विज्ञान जीवन शैली का पूर्णतः सार समाहित किया गया है। हालांकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपनाई जाने वाली अन्य तकलीफों को योग कई मानियों में अलग अलग है। इसके अभ्यास करने से पहले हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। आइए जानते हैं वो बातें जिनकी योग करने से पहले ध्यान कर रखना बेहद जरूरी है। योग करने से पहले एक ऐसा समय चुन ले जब आप बिल्कुल फ्री हो। समय सुबह का हो तो बेहतर। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप 7 दिन इस वक्त फ्री रहते हो। रोजाना नियति समय पे योग करें, इससे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। योग करने के लिए स्वच्छ और साफ वातावरण की आवश्यकता होती है। इसके अलावा माहौल शांत होना चाहिए। अगर शुद्ध हवा का आवागमन हो रहा हो तो वह स्थान योग के लिए उपयुक्त होता है। इसलिए योग से पहले, प्रैक्टिस से पहले जगह तय कर ले। योग सुबह खाली पेट किया जाए तो लाभदायक होता है। अगर ये संभव नहीं हो तो योग और भोजन के बीच कम से कम 3 घंटे का अंतर रखें। योग करने के कुछ समय बाद आप भोजन कर सकते हैं, लेकिन योग से पहले कम से कम 3 घंटे भोजन ना करें। हालांकि भोजन के बाद आप ब्रजासन कर सकते हैं। योग करते समय तंग कपड़े ना पहने। शरीर की मांसपेशियों की खिंचाव अब ऐंठन के दौरान कपड़े फटने का डर होता है। साथ ही साथ आप आसानी से भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए तंग कपड़े न पहने। योग करने के दौरान एकाग्र रहे, मोबाइल फोन या किसी से बात न करें। महिलाओं को मानसिक धर्म के दौरान योग नहीं करने की सलाह दी जाती है। इस दौरान योग से भी रक्त संबंधित समस्या हो सकती है। यह नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान योग ना करने की सलाह दी जाती है। हालांकि प्रशिक्षक के देखरेख में योग किया जा सकता है। योग करते समय संयम और धैर्य रखना चाहिए। हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है और उसी हिसाब से वह योग करता है। इसलिए अगर संभव के साथ आप योग सीखेंगे तो सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य योग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वास्थ्य की प्रक्रिया को नियंत्रित किए बिना योग करना अधूरा है। आसान करने वक्त मुंह से श्वास न ले। योग प्रशिक्षक से जानकारी लेकर योग आसन करते समय नियम के अनुसार श्वास ले। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए केवी स्टूडियो का नया अपडेट। शुक्रिया।